नाम है हनीकॉम, हनीकॉम रैप का नाम है, ओके ये पूरे जो डिजाइन है पूरा इसका नाम हनीकॉम है ये, और बाइक का नाम मेरा ब्लैक पैंथर, तो मैंने यहां पे अपने बाइक का नाम लिखवाया, नाम भी लिख सकते हो यहाँ पे। ये स्टिकर होते हैं, स्टिकर मैंने हटवाए नहीं अपने, जो कंपनी के स्टिकर होते हैं वो हटवाए नहीं, उसी के ऊपर ब्लैक रैप करवाई है मैंने, दिखाई दिए जैसे कि ये देखो, क्योंकि हाईवे पे मैंने चलाया था तो मेरे को ऐसा लगा जैसे पिघल गया। अच्छा, हीट होने के बाद। हीट होने के। Hey guys, welcome back to the channel once again. Hope you're doing good. So, कैसे हो आप लोग? मैं बहुत बढ़िया, और आज मैं आपके लिए एक और ब्लॉग लेके आ गया हूँ जो कि आपने पहले भी देखा हुआ है, पर अभी जो बाइक है वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है, रैप हो चुकी है कम्प्लीटली, और विनय भाई की बाइक है। मैं आपको मिलाता हूँ पहले विनय भाई से। हेलो विनय भाई, वेलकम बैक टू द चैनल। थैंक यू। और ये भाई की बाइक आप देख सकते हो, इट्स अ कम्प्लीट रैप। तो मैं आज सिर्फ इस रैप के बारे में बात करने वाला हूँ, कम्प्लीट रैप के बारे में। तो बाइक जो आज वीडियो होने वाली है पूरी रैप के ऊपर होगी, कि रैप कराना चाहिए, कैसा कराना चाहिए और कहाँ से कराना चाहिए, क्या इसका बजट रहा है, बंदे को कैसा लगा है रैप करा के, क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं और क्या क्या इसके नुकसान है, ये सब चीज़ें। और भाई का पहले चैनल है यूट्यूब पे ब्लैक पैंथर व्लॉग्स, इसको सब्सक्राइब कर दो और या फॉलो भी कर सकते हो एक्स ब्लैक पैंथर, और अपना भी चैनल है यार, सब्सक्राइब कर दो, नीचे लाल बटन दबा दो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, दबा सकते हो आराम से, मन मर्जी आए औरों को भी दबाओ, खुद भी दबाओ, और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, नीचे लिंक आ रहा है, डू फॉलो गाइज, शेयर करो, सब्सक्राइब करो यार, यही तो प्यार है, आप लोगों का प्यार मिलता रहता है। और देखो, आपने विनय भाई दोबारा आ गए चैनल पे, दोबारा उन्होंने कहा नहीं भाई पहले वीडियो बहुत अच्छा रिस्पांस आया था तो दोबारा वीडियो बनाओ और रैप कराइए, तो भाई मैंने कहा ज़रूर बनाएंगे बिल्कुल। सो इस बाइक का नाम है ब्लैक पैंथर, बहुत ही बढ़िया नाम रखा है आपने सोच के। तो भाई स्टार्ट कर दे, तो सारी मॉडिफिकेशन की बात तो हमने कर रखी है पहले से, दोबारा एक बार ही व्यूअर्स को दिखा देते हैं क्या क्या मॉडिफाई करा रखा है इसके अंदर, जो वीडियो पहली बार ही देख रहे हैं जिन्होंने पुरानी वीडियो नहीं देखी। तो स्टार्टिंग करते हैं सामने से, सामने से हम फ्रंट पे आते हैं पहले, सबसे पहले तो हमारे भोलेनाथ जी, भोलेनाथ देखो अंदर बहुत बढ़िया है, इन्होंने सेटअप कर रखा है भोलेनाथ का। और दूसरा है ये लोकेशन के लिए मैंने यहाँ पे लगवा रखा, फ्रेम उठा के लगवा रखा है यहाँ पे, एक ये हो गया मेरे, ये हो गए मिरर्स, हो गए मिरर्स, हो गए आप देख सकते हो मिरर्स में, ये साइड इंडिकेटर इंस्टॉल्ड है इसके अंदर, जो कि सुपर बाइक्स में जनरली देखे जाते हैं, ये नॉर्मल बाइक्स में, इन बाइक्स में मैंने आज तक नहीं देखे, पहले भी कवर किए, जो जब बात कर रहे हैं अभी इसके बारे में, हमने डिटेल बात कर रखी है पूरी की पूरी विद प्राइस एंड डिटेल सब कुछ, तो आप वो वीडियो देख सकते हो। और बताओ भाई जरा, और इसमें ये मैंने फॉग लाइट लगवा रखी है, हाँ ये फॉग लाइट का ओवर नीचे का, हाँ पहले जिसने वीडियो देखी होगी आपकी, हाँ उन्होंने, उन्हें पता होगा पहले फॉग लाइट मैंने यहाँ पे लगवा रखी, यहाँ पे लगवा रखी थी, एग्जैक्टली वियर टाइप की लगी, तो भाई ने नीचे इंस्टॉल करवा लिए सारे, आप देख सकते हो यहाँ से, इसका फोकस भी बहुत अच्छा है और ज्यादा वियर नहीं लगती और सही भी लगती है देखने, भाई देखने में अच्छी भी लग रही है ऊपर से, अब पहले थोड़ा वियर सा लुक आता था थोड़ा सा, पर वो क्या मजबूरी थी, मजबूरी थी, हाँ अब थोड़ा आईडिया आ गया कि आपने नीचे फिक्स करा लिया अच्छे से फ्रेम सेट करवा के। तो और जिसने पहले देखा होगा जैसे नॉर्मल ये है यहाँ की, ये जो नंबर प्लेट होती है वो यहाँ पे लगी हुई आती है, हाँ ऊपर की साइड आती है स्टार्टिंग से ही कंपनी से, यहाँ पे लगी हुई आती है, तो यहाँ पे जो मेरा इतना पोर्शन था ना ये ढक जा रहा था पूरा, ओके ओके, इतने सब कुछ लगने के बावजूद ना ये सब कुछ ढक जा रहा है, मिरर तो हटवा नहीं सकता मैं, मेरे थोड़ा चाहिए भी, थोड़ा लुक भी सही आता है, लेकिन ये नंबर प्लेट वगैरह सब कुछ यहाँ पे था, तो इतना मेरा पोर्शन पूरा ढक जाता था, तो मैंने नंबर प्लेट हटवा के यहाँ पे मैंने एक बनवाया है अभी रिसेंटली, मैं बनवाया ट्रिप पे जाने से पहले बनवाया था, ओके ये यहाँ से मैंने एक ले लिया, एक यहाँ से ले लिया, ये मैंने एक बार बनवा लिया, तो एक बार से फिर आपने इसे फॉग लाइट इंस्टॉल करवा ली, यहाँ से फॉग लाइट मैंने यहीं पे ही थी पहले, अच्छा मतलब कि जब मैंने फॉग लाइट पहले लगवाई थी उसके बाद मैंने ये बनवाया, ये अभी रिसेंटली में बनवाया मैंने, ओके ओके, ज्यादा 22 को बनवाया था ये मैंने, 22 फेब में, अच्छा अच्छा, तो यहाँ नंबर प्लेट अच्छी भी लग रही है, हाँ यहाँ पे अच्छी भी लग और जनरली बाइक्स में इधर ही आती है, जैसे आप अब हायाबुसा देखोगे तो उसमें भी इधर ही उसका नीचे ही आता है, हाँ बिल्कुल, तो बिल्कुल सेक्सी लुक आ रही है ऐसे देखने में ब्लैक पैंथर की। और बात करते हैं यहाँ पे एक छोटा सा मॉडिफाई करा रखा है ये विंगलेट्स, ये मेरे को बहुत क्यूट लगता है, हाँ ये बहुत अच्छी चीज लगती है, हाँ नीचे भी आप देख सकते हैं यहाँ पर कार्बन फाइबर, ये हमने पहले ही करवा रखा था इस बाइक में कार्बन फाइबर का, नहीं ये अभी करवाया है, ये भी करवाया है, पूरा अभी करवाया है, अच्छा ये रैपिंग का टाइम है, ये अभी सब कुछ नया, ओके ओके ओके। तो भाई आप रैप के बारे में बताओ, पीछे आपको मैं दिखा देता हूँ गाइस, पीछे भाई ने टॉप रैक लगा रखा है इधर, और यहाँ पर आराम से इनका लगेज आ जाता है, अभी टॉप बॉक्स आपने यूज़ किया इसके ऊपर, हाँ मैंने यूज करा टॉप बॉक्स, हाँ टॉप बॉक्स भी यूज़ किया है, तो करते गाइस रैप की, अब रैप आप देख रहे हो तो भाई ने नीचे जो टायर के रिम्स है वो भी गोल्डन करवा रखे हैं, तो रैप के बारे में बताओ क्या क्या, मतलब रैप का प्रोसेस कैसा रहा था?
और आपके चैनल पे है तो मैं गाइस दोस्तों को बोल दूंगा कि भाई पूरा व्लॉग इस पे देखो। नहीं व्लॉग तो अभी खैर मैंने बनाया, अच्छा बनाया नहीं, अच्छा नहीं बनाना चाहिए था देखो, एक इन डेप्थ व्लॉग क्योंकि लोग देखते हैं जो करवाते हैं बाइक्स में, और R15 जैसे मॉडिफिकेशन में सबसे टॉप पे रहती है। सिर्फ बंदे को बाइक दे दी थी, उसके बाद मेरे पास टाइम नहीं था। अच्छा अच्छा, उस एक हफ्ते में बहुत ज्यादा बिजी था तो मेरे पास टाइम भी नहीं था। ओके ओके ओके, तो 250 वीडियोस उसने मेरे को बना के दिया और बहुत अच्छी अच्छी वीडियो। चलो लेटर ऑन आपके चैनल पे आई जाएगी। हां मैं थोड़े थोड़े शॉर्ट्स डालता रहता हूं, तो शॉर्ट्स मैंने लगभग काफी हद तक डाल दिए इसके आने के बाद। तो आप देख सकते हो शॉर्ट्स गाइस इनके चैनल इंस्टाग्राम पेज पे इधर। तो बताओ रैप के बारे में जरा, कैसे प्रोसेस करवाया था पहले? पहले नाम है हनीकॉम, हनीकॉम रैप का नाम है, हनीकॉम रैप का नाम। ओके, तो ये पूरे जो डिजाइन है पूरा इसका नाम हनीकॉम है ये, और बाइक का नाम मेरा ब्लैक पैंथर, तो मैंने यहां पे अपने बाइक का नाम लिखवाया, नाम भी लिखवाया है। हां मैंने, क्योंकि आजकल ट्रेंड में चल रहा है। हां यहां पे मैंने काफी टाइम पे, मतलब बहुत टाइम पहले मैंने इंस्टा पे एक रील देखी थी, उसमें से मेरे को आईडिया मिला था इसका। ओके ओके ओके, बहुत रेयर, मैंने ये फर्स्ट टाइम आपके आपके पास ही देखा है। जो आपने रील देखी मैंने वो नहीं देखी, पर मैंने आपके पास ही देखा ये जो रैप है। मैंने सिर्फ एक ही की देखी है, वो भी बाहर का है। अच्छा, ब्लैकआउट करके अकाउंट, ब्लैकआउट करके। ओके, उसने करवा रखी है अपनी बाइक। तो बिग शाउट आउट टू ब्लैकआउट। रैप के अंदर आपने, मतलब रैप हुआ कैसे? रैप इसके ऊपर पहले मैंने ब्लैक रैपिंग करवाई थी, पूरे ब्लैक रैप करवाया है। ये नेट टाइप में है, हाँ ये नेट में गैप, बीच में गैप है इसमें, ये नेट वाली में है। ओके ओके, तो पहले मैंने इसके नीचे एक ब्लैक वाली वो लैमिनेशन करवाई थी, ब्लैक लैमिनेशन पूरी बॉडी करवाई थी, फिर उसके बाद करवाई। जैसे कि ये देखो आप देख सकते हो यहाँ पे ये स्टिकर होते हैं, स्टिकर मैंने हटवाए नहीं अपने, जो कंपनी के स्टिकर होते हैं वो हटवाए नहीं, उसी के ऊपर ब्लैक रैप करवाई है मैंने। ओके ओके ओके, उसके ऊपर फिर ये, तो इसमें आपने जो कंपनी का ओरिजिनल चीजें थी वो सब अभी तक लगी हुई है बाइक पे, उसको मैंने हटवाया, उसके ऊपर आपने कराया ब्लैक रैप। हाँ उसको मैंने, एंड देन हाँ उसके ऊपर आपने हनीकॉम करवाया, पूरा ढकवा दिया है। ओके, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ इधर से आप थोड़ा गौर से देख रहे हो, ये हाँ। पुराने स्टिकर्स हैं। हाँ हाँ ये वाले, हाँ होंगे आपको इस साइड पे, ये वाले जो स्टिकर्स, हाँ ये दिख रहे हैं इधर, ये रहे, हाँ हाँ ये पुराने स्टिकर्स हैं, ये अभी भी शो होते हैं, लेकिन जब ध्यान से देखो, पास से देख रहे तभी दिख रहा है। हाँ तो कितने में हो गया था ये काम? मैंने पैसे बहुत ज्यादा दिए, जनरली बताऊं तो मैंने बहुत ज्यादा दिए, लेकिन काम होने के बाद थोड़े सेटिस्फेक्शन है। हाँ। तो पैसे सही जगह दिए, ज्यादा दे दिया कोई बात नहीं, लेकिन काम अच्छा हुआ है। कितना तो फिर भी कितना चले गया था लमसम अमाउंट? 15 दे दिए, 15 हो गए, 15 में क्या क्या ओवरऑल पूरा सब कुछ? तो ये जो पेंट हुआ है टायर्स पे रिम पे, तो ये मतलब परमानेंट पेंट है? परमानेंट नहीं है, हटाना चाहो हटा सकते हो तुम। अच्छा अच्छा, इसकी गारंटी उसने उड़ लिया, अगर आपके रैप पे अगर कोई प्रॉब्लम आती है हाँ बंद कर दो, आप गाड़ी दुकान पे लेके आ जाओ मेरे वहाँ पे। सबसे बढ़िया यही चीज रहती है, आपको आपको कस्टमर सपोर्ट मिलता है ना, बिल्कुल आपको सेटिस्फेक्शन रहता है कि भाई कोई दिक्कत आएगी तो मैं बंदे के पास ले जाऊंगा और मैं चीज ठीक कर देगा। लगभग 1800-2000 किलोमीटर भी चला के लेके आया हूं रिसेंटली। हां रिसेंटली। अच्छा अच्छा, हां तो मेरे को एक दो मेजर इश्यूज दिखाई दिए, जैसे कि ये देखो, क्योंकि हाईवे पे मैंने चलाया था तो मेरे को ऐसा लगा जैसे पिघल गया। अच्छा, हीट होने के बाद? हीट होने के बाद। यहां लाइट्स है ना नीचे? हां इधर ये देखो, ये आपको हल्का हल्का दिख रहा होगा? हां दिख रहा है, ये उखड़ रहा है थोड़ा। हां ये मेरे को इशू दिखाई दिए। Okay, okay. उसको एक इशू और है जो पेंट का आपने बोला था। हाँ पेंट का भी दिखाते हो शायद, ये दिखिएगा तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये हल्का हल्का इसका पेंट चला गया। अच्छा अच्छा, अगर भाई इसका पेंट अपने आप जाने लगा है, उन्होंने बोल दिया कि ठीक है आ जाओ ठीक करवा दूंगा। ये सबसे बड़ी चीज है, ये सबसे बड़ी चीज होती है। नहीं ये कि ये नहीं बोल रहा कि नहीं सब हवा वाली बात है, भाई वो बोल रहे करेंगे नहीं। तो दुकान का नाम भी बता दो एक बार हमारे व्यूअर्स को। दुकान का नाम है ये कहां पर पड़ती है, लोकेशन कहां पर है? किशनगढ़ की कार मार्केट में पड़ती है, किशनगढ़ का मार्केट मैरोली, थोड़ा नुकसान की भाई ऐसे लाइट पिघल रही है आगे से, फायदे क्या क्या? मेरे को रिस्पांस बहुत अच्छा मिला है इसका, लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं, लोगों ने जितना रिस्पांस दिया कि मैं अगर ट्रैफिक लाइट पे लेके खड़ा हूँ ना तो आसपास के जितने बंदे हैं ना हाँ। सब देखते थे, मतलब नोटिस करवाने के लिए लोग एग्जॉस्ट लगवा लेते थे, तो एग्जॉस्ट लगवाने की जरूरत है? एग्जॉस्ट भाई ने अभी तक इसको रखा है स्टॉक एग्जॉस्ट। हाँ, हाँ मैंने वो चेंज नहीं करवाया, मेरा मन भी नहीं है चेंज, क्योंकि थोड़े लाउड साउंड से थोड़ा सा मेरे को इरिटेशन होती है। हाँ बात ये है, तो ये यामा की जो ब्रांडिंग है नीचे वो मैंने छोड़ दिया था, ये छोड़ रखा है, ये ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल है ना? वो ओरिजिनल है। ओके ओके ओके, मैंने छोड़ दिया था।
नहीं सही है, वो अच्छी लग रही है, ये रहना चाहिए। हाँ पता चलना चाहिए ना कौन सी बाइक है। बिल्कुल पता तो है लोगों को, लेकिन यहाँ ब्रांडिंग देखने में बहुत अच्छी लग रही है। नीचे की साइड पे यहाँ इसे देख रहे थे, पूछते थे कौन सी है कौन सी है कौन सी है। यहाँ पे तो नहीं, मैं इलाहाबाद ले गया था। हाँ रिसेंटली इलाहाबाद रिसेंटली अभी आया हूँ, दो तीन दिन पहले ही आया हूँ। हाँ तो पूछते थे लोग की कौन सी बाइक है कौन सी बाइक है, थोड़े से मैंने रिस्पॉन्स की है, वो वीडियोज बना रखी है, मैं अपने चैनल पे डालूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो फॉग लाइट जैसे यूज करें, फॉग लाइट में कुछ इशू आया कुछ ऐसे थ्रो वगैरह में कुछ देखने में ना, रात का टाइम? फॉग लाइट मेरे को कभी इशू दिया नहीं, शुरू से इशू नहीं, शुरू से इशू नहीं दिया। कौन सी लाइट है? एचजीजी है। हाँ एचजीजी की लाइट है, तो आप देख सकते हो चीजें बढ़िया यूज करते हैं ना यार, तो बाइक मतलब जो प्रोडक्ट है अच्छा चलता है। एक इशू आया था मेरे को, वो शायद मेरी गलती थी या जो जिसने वॉश करी थी उसकी गलती थी। अच्छा अच्छा। इसकी ये जो रबड़ होती है ना, ये रबड़ निकल गई थी, इसकी रबड़ निकल गई, इसकी रबड़ निकल गई थी। ओके ओके। ये रबड़ होती है ना, ये रबड़ निकल गई थी स्विच की। तो मैंने बाइक वॉश करवाई, मुझे कहीं जाना था नेक्स्ट डे, तो मैंने बाइक वॉश करवाई रात के टाइम पे। तो मैंने इसका वहाँ से जलाने के बाद मैं घर पे आया, मैंने इसे ऑन कर दिया। ओके। पूरी वायरिंग मैंने चेंज करवाई, मतलब आधी वायरिंग चेंज करानी पड़ी पूरी। वायरिंग पता नहीं, देखो ब्रांड है तो नाराज नहीं करेगा कभी भी। और तो गाइज और कुछ आप बताना चाहोगे रैप के बारे में? देखो अगर आपको करवाना हो तो आप करवा सकते हो। वैसे आपके हिसाब से कितने में हो जाता है? 15,000 तो आपने दे दी है। हाँ कितने में हो जाता है ये? लगभग अगर एस्टिमेट अगर लोकल कहीं नॉर्मल दुकान से करवाते जैसे सेटिस्फेक्शन मिले तो मेरे को लग नहीं रहा कि मेरे पैसे वेस्ट, बट हाँ मैंने ज़्यादा दिए हैं। फिर भी कितने में हो जाता है आइडिया लमसम? ये लगभग मान लो आपका 7,000 मैक्स टू मैक्स। इतने की होती है, अगर आप कस्टमाइज कराते हो तो थोड़ा सा प्राइस ऊपर चले जाता है। ये था रिव्यू ब्लैक पैंथर का जो आप देख रहे हो, इससे पहले वाली जो आपने देखी थी अब तो बहुत चेंज है क्योंकि रैप के बाद बाइक पूरी बदल जाती है। सो थैंक यू विनय भाई, और कुछ आप ऐड ऑन करना चाहोगे वीडियो के एंड में? बस आज के लिए इतना, आज के इतना। हाँ। मैं सोच रहा था वो डलवाने के लिए, इसमें क्रैश गार्ड डलवाने का सोच, क्रैश गार्ड्स बड़े वाले आपने पहले लगवाए थे, क्रैश गार्ड्स हटवा दिए, वो हटवा दिए, फिर रैपिंग हो रही थी तो हटवा दिए। बहुत बहुत परेशान कर रहे थे उसने, बहुत ज़्यादा ही परेशान। ओके ओके ओके। इसने मेरे को इतने हद तक परेशान कर दिया ना कि मैं बता नहीं सकता आपको। केदारनाथ की ट्रिप पे कटवा के हटवाने फेंक दिया, रास्ते में फेंक दिए थे मैंने। अच्छा इतना ज्यादा परेशान कर दिए? बताया था ना मैंने, पूरा बताया था हमने, पूरी इन डेप्थ उसकी वीडियो बनाई थी पूरी पूरी। वो नीचे टच भी होता था कभी कभार ऑफ रोड पे, हल्का सा स्पीड ब्रेकर पे भी टच होता था, माइनर सा ही स्पीड ब्रेकर था ना उस पे भी टच होता था, जैसे अभी हल्का सा इसके ऊपर चढ़ा हुआ तो वैसे ही ये था रिव्यू ब्लैक पैंथर का। तो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, और कोई भी मॉडिफिकेशन से रिलेटेड आपको इस बाइक में बारे पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, सारे कमेंट्स का रिप्लाई किया जाएगा, विनय भाई खुद कर देंगे कमेंट का रिप्लाई वीडियो में आके। सो थैंक यू विनय भाई, तो मिलते हैं गाइस किसी और वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो टिल देन बाय, टेक केयर, बाय। तो चलो भाई, बाय बाय।